press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माई चैनल ई होम्योविजन, इंडियाज फर्स्ट लाइव पेशेंट क्लिनिक। आपका स्वागत है मेरे चैनल ई होम्योविजन में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल से फायदा होगा। अभी मेरे सामने लाइव केस आया हुआ है जय नारायण विश्वकर्मा जी का, और 6 महीने पहले इनको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, स्टार्ट हुआ था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, इनको इंजुरी हुई थी आपको। Yes. और इंजुरी होने के बाद आप जानते हैं एलोपैथिक ड्रग लेना पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती है, पेन किलर, जो कि किडनी में भी बड़ा साइड इफेक्ट करती है, और उसको लेने के बाद एक गर्माहट आने लगती है, बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू पाइल्स। और पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं? इचिंग होती है, बर्निंग होती है, चुभन टाइप का लगता है। दो टाइप की पाइल्स होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो होती है वो ब्लीडिंग पाइल्स होती है, अंदर से ब्लीड होता है, और एक्सटर्नल पाइल्स में जलन बड़ी होती है, मसा टाइप का होता है, छाला टाइप का होता है, ब्लाइंड और ब्लीडिंग दोनों हो सकते हैं। और जब इनको प्रॉब्लम हुई, इन्होंने लेक्सेटिव लिए, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जिससे टेम्परेरी रिलीफ लग गया, मगर वापस रिपीट हो गया, करेक्ट? यस सर। है ना, ये प्रॉब्लम फेस हुई, और आज की डेट में इनको पाइल्स के साथ फिस्टुला इन की प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक में सिर्फ सर्जिकल मेथड होता है, आप जाएंगे आपको डॉक्टर बोलेंगे सर्जरी करा लो, है ना। Yes. और आयुर्वेदिक में भी कुछ लेक्सेटिव आते हैं चूर्ण टाइप के, वो लेते रहिए जिंदगी भर, मगर आज मॉडर्न होम्योपैथिक में ऐसा चमत्कार है, 1700 से ज्यादा पेशेंट मैंने ठीक करे हैं। आपने मेरे चैनल में देखा होगा, मैंने बहुत सारे ऑपरेशन कैंसिल करवाए, और आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अच्छी है। सिर्फ डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ ब्लड प्यूरीफायर हम लोग देते हैं, उसके साथ डाइजेशन टॉनिक देते हैं, साथ में कुछ जर्मन मेडिसिन देते हैं 50 मिलीग्राम पोटेंसी में। जैसे कि मैं इनका केस देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूँ, मगर फिर जो मैं सिलेक्शन कर पा रहा हूँ, आपको ठंड ज्यादा लगती है? गर्मी ठंड लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। मैं इनकी मेडिसिन सिलेक्ट कर रहा हूँ साइलिशिया, बहुत अच्छी मेडिसिन है, 0/1 पोटेंसी से देंगे। सेकंड मेडिसिन जो आ रही है इनके सिक्रीशन से, जैसे पसीना ज्यादा आता है आपको, है ना, तो प्रस्पिरेशन ऑफेंसिव रहता है, तो एसिड नाइट्रिकम, बहुत अच्छी मेडिसिन है, 0/3 पोटेंसी में देंगे, और आप इसको रिपीट कर सकते हैं 0/1, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। साथ में बहुत अच्छे फॉर्मूले आते हैं, एस्कुलस पेंटार्गन जर्मन फॉर्मूला है WSI का, 10 ड्रॉप 3 टाइम्स 1/2 कप वाटर। कुछ टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, FP टेबलेट बहुत अच्छी है, फिशर पाइल टेबलेट बोलते हैं, 2 गोली 3 बार बिना पानी के आप चूस सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत सारे कॉमन सिग्निफिकेंट रेमेडीज आती हैं होम्योपैथिकली, अगर आप देखें तो नॉर्मल पहले होम्योपैथिक चलता था, आजकल मॉडर्न होम्योपैथी हो गया। मॉडर्न होम्योपैथी में हम लोग मियाज में देखते हैं, आपको मीठा अच्छा लगता है कि नमकीन? मीठा मीठा, इसलिए मॉर्निंग में हम वीकली सल्फर देंगे, सल्फर एक बहुत अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है, मॉर्निंग में सिंगल डोज सल्फर का देंगे, सुबह सुबह संडे के दिन, आज जैसे संडे है, अगले संडे से आप स्टार्ट कर लीजिए, सुबह 6 गोली आप खाइएगा। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हम हेमामेलिस देते हैं, हेमामेलिस और पियोनिया ऑफिस में लिस्ट, बहुत अच्छा मदर टीचर है, दोनों को मिला के देते हैं, पाइनस बहुत अच्छे मदर टीचर है होम्योपैथिक में। मगर अगर मैं इनके केस की बात, आपको मसे हैं कि कहीं बॉडी में और कहीं? नहीं सर, और कहीं नहीं है। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी मेडिसिन एस्कुलस हिप भी है और एसिड नाइट्रिक, अब इनके केस में मैं देख पा रहा हूँ, और मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं। आपने बताया अभी मैं जय नारायण जी का जब केस ले रहा था, इन्होंने बताया कि इनको अल्सर की प्रॉब्लम भी है, पुरानी प्रॉब्लम है, मुंह में भी हो जाते हैं, पेट में भी हो जाते हैं, मुंह में भी हो जाते हैं, और पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, जलन होती है। जैसे मर्कसोल, आपने एक मेडिसिन सुनी होगी, मर्कसोल में बहुत अच्छे रिजल्ट है, जिसमें एप्थे छाले ठीक हो जाते हैं, और इंटरनल अगर बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के भी केसेस में मैंने मर्कसोल के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। मैं अभी इनको 1 मंथ का मेडिसिन सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी रिसर्च में केस भेज रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस बहुत जल्दी क्योर होगा, इनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नेक्स्ट 1 महीने बाद हम फिर फॉलोअप करेंगे। ऐसा ही कोई केस आपके सामने आता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वेबसाइट www.ehomeovision.com, आई एम रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑफ लाइब्रेरी.com एंड सुलेखा.com। थैंक यू सो मच, थैंक यू।